बोलो कर्म द्वार काल का, बोलो कर्म द्वारा, बोलो कर्म द्वार काल का, बोलो द्वारा। जय काली, जय जय महाकाली, जय काली, जय काली, जय जय महाकाली, जय काली। घर बिठा रखे हैं क्या आपने? घर में बिठा रखे हैं? ये हॉस्पिटल में क्यों थी? कौन है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्या? कोई किधर होके बैठे हो? इसमें तो तुम्हारी पूछा मैं सुन जाएगी। हॉस्पिटल में कौन एडमिट हुआ था? क्या नाम बताया दोबारा बोलिए? राजेश पालीवाल। पति का नाम है ये? बेटा जी तेरा नाम? श्वेता। गाँव क्या नाम बाबू? बाबू किसी जमीन जुमीन के मैटर में पैसे बता रखे हैं? नहीं, जमीन नहीं है, अभी ली है। तो कि पैसे फंसे हुए किस चीज में आए हैं बेटा तुम्हारे? गद्दी कौन लगाता है? माई किस पे आती है? अच्छा, गुरु कौन है बेटा तेरा? आपको पता है ना, आपने बुलाया मुझे रात में। एक बात बता, जब तक आके शक्ति शक्ति से नहीं बात करेगी तो मैं तो पर्चे दूंगी ही। मेरे पास तो पर्चे लेने आते हैं बच्चे, मैं तो पर्चे ही दूंगी। तुम भी तो पूछने ही आए हो कि क्यों बुलाया है, क्यों पहचानेगी नहीं पहचानेगी। अब ये बता, क्या शक्ति आई है, क्यों आई है, धाम पे क्यों पहुंची? जय सियाराम। क्या कारण है बच्चों को यहाँ आने का? महामाई माता नवलगढ़ की। हाँ, इंदरगढ़ सामोदगढ़। हाँ हाँ, ठीक है। तो दरबार कैसे पहुंची? गर्भ की बच्ची। अच्छा, सब ठीक चल रहा था। हाँ, आपकी वीडियो देखने लगी। हाँ, देखते देखते डर के बंद करती हूँ। अच्छा, डर गई। बच्ची बोलती है, खूब पढ़ी लिखी है लेकिन बहुत बोली है आपको। अच्छा, गद्दी लगाती है? लोग जैसे आते हैं ऐसे बच्चे आते हैं? लगाती नहीं। गुरु कौन है? कोई गुरु बना ही नहीं। तो बाबूजी, माई का यहाँ खींचने का मतलब ये है कि बिना गुरुओं के गद्दी नहीं लगती और तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है? मुझे जिसने बताया वो खुद ही पूजा करवा के पंडितों से और खुद ही लगवा दी। नाल बांध के 50 रुपए दे दे मुझे, मैं तेरा गुरु, मुझे कुछ पता नहीं। मंत्र दिया था कोई? कुछ नहीं दिया मुझे। मैं दोबारा आपकी वीडियो देख के उसके पास गई, नाक रगड़ी, मुझे या तो माफ करो या फिर मुझे जो आपने करवाया है उसे ही करो, मेरा गुरु बनो आप। फिर उसने आका दिए कि मंदिर में रख के रख दिया। 8-9 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बंद कर दी। मुझे बच्चे पालने हैं, मैं मुझे परिवार ही चलना। ये 70 साल पुरानी पीटी स्टार्टिंग। एक बात सुन भाई, जो भगत है वो क्या बच्चे नहीं पालते? वो क्या अपने परिवार नहीं चलाते? वो तो जने कितने परिवार चलाते हैं अपने परिवारों के साथ। फिर आपकी सुन के नवरात्रों में अरदास लगाई बच्ची ने, पीले कपड़े में 11 रुपए पीले चावल करके, और आप साक्षात दिखे, आपके साथ एक और उनकी परछाई दिखी। इसलिए ना मेरा कोई नंबर है ना कोई, और माता रानी का बुलावे से आई हूँ। ठीक है, तो आप गुरुओं की पहचान क्या करवाई है फिर तुम्हें? मुझे तो साथ साथ आपकी तस्वीर दिखी और आपके साथ एक और है, और आपने उन्होंने कहा कि ये हमारे शिष्य चेला बनने लायक है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो आप यहाँ गुरु बनाने आए हो? अब बच्ची को तो कंफ्यूजन है, बच्ची को तो दोबारा लगाओ भाई अरदास, कंफ्यूजन क्लियर करो। बाबू गुरुओं की अरदास है लेकिन इसका पति नहीं मानता। कोई बात नहीं, उसका भी इलाज बताती हूँ। देखो बाबू, गद्दी लग रही है घर में, साधारण से जैसे उनका भोग लगाते हैं ना। हाँ, तो कोई नहीं आता, हम दोनों बहन हैं। अच्छा, तो सासू माँ है हमारी, मतलब ये है कहने का जैसे घर में कोई आके पूछ लेता होगा क्या करना है क्या नहीं, तो वो बताती है ना। हाँ, उसका मतलब वो मेरा नहीं होता। हाँ, वो उसका मतलब गद्दी लग रही होता है। ठीक है, आपका इसलिए नहीं होता बाबू क्योंकि आपकी गुरु नहीं है, वो बिना गुरुओं के चलेगी नहीं। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुन मेरी बात। पहले तो माँ से बोल, माँ मुझे भक्ति चाहिए लेकिन गृहस्थी पहले चाहिए।
ये रोज बोलती हूँ आपकी पूरी जरूर वीडियो देखूं। पहले गृहस्थी मांगना फिर भक्ति मांगना, क्योंकि घर पाल करके जो कोई भक्ति कर जाए वो बड़ा है, वरना घर परिवार छोड़ के दुनिया रोटी ना खिलानी पड़ जाएगी, दो बच्चों को जिम्मेदारी छोड़ के सब भागते हैं। इसलिए आई, तीन महीने से मेरे ये पैर है ना ये टूट रहे हैं, सब नहीं है। मैं बता रही हूँ देखो क्या करना है, एक तो इनके गुरुओं की अरदास लगवा दो भाई, इनकी इच्छा बनाए ना बनाए, अगर बनाना है तो भैया तब पूछा दे, नहीं बनाना तो पूछा बंद कर दे, चाहे घर की क्यों ना हो, चाहे घर की ही क्यों ना हो, बिल्कुल बंद कर देना। माई के फूलों में बताशे के भोग बताओ।